बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो आज मैं बनाने लगी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट मिल्क शेक। तो जिसके लिए मैंने वो पैकेट से ये चॉकलेट निकाल के इस प्याली में रख दी है, और ये मैंने एमंड पीस के रखे हैं, और ये साथ में ये मिल्क पैक है। तो बस अब हम इसमें डालने लगे हैं जग में, ये जो ब्लेंडर हम इसमें ये जग में डालने लगे चॉकलेट जो मैंने पैकेट से निकाल के रखे हुए थे। तो बस अब हम ये इस मिल्क में ऐड करेंगे। मिल्क में ऐड करने के बाद अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये चॉकलेटों में भी इसमें वो चॉकलेट होती है, उसमें भी शुगर होती है। तो शुगर अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितनी आपको पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है। ये बड़े बच्चे सब पी सकते हैं। तो बस आप देख लीजिएगा कि जैसे आपको पसंद है आप वैसे उतनी ऐड कर लीजिएगा। तो बस अब हम ये वो कि ना अच्छे से हम इसको वो ब्लेंड कर रहे हैं। ये ब्लेंडर में इस तरह हो रहा था कि अच्छे से सारा वो मिक्सअप हो जाए। तो मिक्सअप होने के बाद बस अब हमारा ये मैं हमें तकरीबन हो गया रेडी। तो बस अब मैंने इसको ऑफ किया। तो बस अब ये जग को खोल के मैं सोची थी, मैंने कब चेक कर लिया जाए कि देखें ऊपर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी फॉर्म इस तरह ऊपर वो बन गई है। ये जो चॉकलेट मिल्क फॉर्म बन गई है उसके ऊपर, तो इसको मैं एज अ उसके ऊपर ये जब ये डालूंगी शेक इसमें तो फॉर्म इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। आप इसके लिए चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइडियाज़ होते हैं। तो बस मेरे पास अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो मेरे पास थी, तो बस मैंने फिर उसी में ही कर लिया। बच्चों को मैंने ये चॉकलेट और शेक बना के दिया। ये जो फॉर्म ब्लेंडर में थी तो बस मैंने वो चॉकलेट और शेक डालने के बाद उसके ऊपर ये फॉर्म भी इसके ऊपर डाल दी। तो बस अभी हमने जो एमंड्स पीस के रखे हुए, तो बस अब मैं इसके ऊपर वो उसके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ। तो बस देख लीजिए, आप नट्स कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, आप बादाम, पिस्ता, जो आप शेक के ऊपर जो आपको बच्चों को पसंद है, जो बड़ों को पसंद है, आप कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे पास एमंड्स है तो मैंने एमंड्स इसके ऊपर वो कर दिए हैं। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर ये ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो बस ये अब सुबह ने हम बैठ गए हैं, तो बस अब वो शेक पीने लगे हैं। तो फिर मैंने कहा पियो, पी के फिर मुझे बताओ ये आपको शेक कैसा लगा है। तो बस अब ये देखें सुभान, ये ऐयान की तरफ से तो आएगा कि ऐयान ने तो गुड कह दिया है, लेकिन सुभान ज़रा एंग्री बर्ड बना हुआ था क्योंकि मैंने उसको गुस्सा किया था, आपस में लड़े थे। आप देख सकते हैं ऐयान के बाल भी इस ऊपर से साइड से खड़े हुए हैं। तो बस अब वो बता नहीं रहा था, गुस्से में था। तो मैं पूछ रही थी कि कैसा लगा बताओ। तो बस आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।